गर्भावस्था महिला मानसिक रूप से ठीक तो शिशु भी स्वस्थ, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 38 साल से अकोला में महाराष्ट्र में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। गर्भावस्था और मानसिक स्वास्थ्य और शिशु का होना, शिशु का स्वस्थपन, यह सब रिलेटेड है। मानसिक स्थिति महिला की, मतलब गर्भवती स्त्री की कैसी है, उसके ऊपर पूरा खेल है। मानसिक स्थिति गर्भवती महिला की अच्छी है तो उसका अच्छा असर गर्भ पर होता है। मानसिक स्थिति अच्छी है तो बच्चा स्वस्थ होगा, बच्चे का विकास होगा और उसका डेवलपमेंट बाद में, पैदा होने के बाद में भी अच्छा होगा। इसलिए गर्भवती महिला की मानसिक स्थिति एकदम साउंड होना बहुत ही जरूरी है, उसके ऊपर अच्छे संस्कार होना बहुत जरूरी है। ये देखना है कि गर्भवती महिला अच्छा भोजन करती है, बैलेंस डाइट करती है, अच्छी नींद लेती है, 7 से 8 घंटे सोना, फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन लेना नहीं। ऐसे स्टडीज़ में निकल आया है कि जो गर्भवती स्त्री बहुत चिड़चिड़ी होती है, चिड़चिड़ापन उसको है, वो निराश और हताश है या बहुत टेंशन वाली है, चिंतित है और बहुत स्ट्रेस ले रही है, तो उसका बुरा असर बच्चे पर भी होता है और एबॉर्शन के चांसेस या बच्चा विकृत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जो गर्भवती स्त्री गुटखा, तंबाकू, शराब का सेवन करती है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारे देश में शराब का इतना नहीं है मगर गुटखा तंबाकू का बहुत है, कि गर्भवती होने पर यदि गुटखा तंबाकू आप लेती है तो जन्मजात विकृति बच्चे को हो सकती है, बच्चा मंदबुद्धि का हो सकता है, गर्भपात हो सकता है, संभव है। ऐसा बोला जाता है कि फोलिक एसिड का सेवन यदि रेगुलर रूप से करते हैं, फोलिक एसिड तो, और बैलेंस डाइट जिसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सभी है, तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, फिजिकल और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं तो मानसिक ग्रोथ भी अच्छी होगी। कम उम्र में यदि बच्चा पैदा करती है, मतलब 18 साल के नीचे, तो बच्चे को प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और वैसे ही ज़्यादा उम्र की जो है, 40 के बाद में बच्चा पैदा होता है, तो ये बच्चों को भी कुछ विकृति होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए माँ की उम्र जो है, बच्चा जन्म लेता है तब, वो बहुत मायने रखती है। 2016 की एक स्टडी है, उसमें महिला, गर्भवती महिलाओं का मृत्यु दर 1 लाख में से 207 पाया गया है। 1 लाख गर्भवती महिला होती है तो उसमें 2007 गर्भवती महिला की मृत्यु होती है कोई ना कोई कारण से, और 1000 बच्चों में से 40 बच्चों का डेथ होता है, मृत्यु होती है, मतलब उनका कुछ जन्मजात प्रॉब्लम होगा या बाद में कुछ तकलीफें होंगी, बीमारी आई होंगी, जो भी कुछ है, मगर 1000 में से 40 बच्चे मर जाते हैं। तो ये मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है और ये हमको कम लाना है, डेफिनेटली अभी कम हो गया होगा, अभी रिसेंट आंकड़े मेरे पास में नहीं है, मगर यदि कम लाना है तो हमें माँ की हेल्थ, मानसिक, शारीरिक और गर्भ संस्कार जो है, मतलब माँ के ऊपर संस्कार है, गर्भवती माँ के ऊपर संस्कार, उसको मैं गर्भ संस्कार बोलता हूँ, तो वो होना बहुत जरूरी है। गर्भवती संस्कार यदि हम करते हैं तो बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छा ही पैदा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।